बच्चों, आज हम आपको हिंदी व्याकरण में संज्ञा के बारे में बताएंगे। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है समधन ज्ञान, अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला, ब्रह्मांड के सभी जड़ चेतन के परिचय का आधार संज्ञा ही है। जड़ चेतन से तात्पर्य संसार के जितने भी सजीव और निर्जीव चीजें हैं, उन सब के परिचय का आधार संज्ञा ही है। परिभाषा, किसी प्राणी, वस्तु, गुण, भाव, स्थिति या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा और स्पष्ट करते हैं। गौतम और विवेक जल का लोटा और पूजा की थाली लेकर मंदिर गए। दोनों ने मिलकर पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा की। इस उदाहरण में प्राणी गौतम और विवेक, वस्तु लोटा थाली, स्थान मंदिर और भाव श्रद्धा है। अब हम आपको संज्ञा के भेद के बारे में बताएंगे। संज्ञा के निम्नलिखित पांच भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष नाम के व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराएं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अब्राहम लिंकन, ध्रुव, कामधेनु, चेतक, एरावत, नेपाल, भारत देश, हिमालय। इसमें अब्राहम लिंकन एक विशेष व्यक्ति, ध्रुव एक विशेष तारा, कामधेनु एक विशेष गाय, चेतक एक विशेष घोड़ा, एरावत इंद्र का एक प्रकार का हाथी, नेपाल देश, हिमालय एक विशेष पर्वत। इन सभी चीज़ों में कोई न कोई विशेषता छिपी हुई है, इसलिए ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा, जब कोई संज्ञा शब्द एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध कराता है तो इनसे पूरी जाति का बोध होता है, इसलिए ऐसे संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे लड़का, स्त्री, पुरुष, कुत्ता, नगर, गांव, देश, पर्वत, नदी, सैनिक आदि। इसमें लड़का, स्त्री, पुरुष, कुत्ता, नगर, गांव, ये सभी एक विशेष जाति का बोध कराते हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा, जिन शब्दों से संज्ञा के गुण, दोष, भाव, अवस्था, स्थिति आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वीरता, धैर्य, अच्छाई, करुणा, थकान, गुलामी। भाववाचक संज्ञाओं को हम ना देख सकते हैं और ना ही हमने छू सकते हैं, इनका केवल हम अनुभव कर सकते हैं। वीरता, धैर्य, अच्छाई, करुणा, ये सभी चीज़ों को हम अनुभव कर सकते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से विभिन्न पदार्थों का बोध होता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा को हम पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। जैसे लोहा, चांदी, सोना, पीतल, गेहूँ, चावल, जल, दूध आदि, ये सभी चीज़ें द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से संज्ञा के समूह का बोध हो, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कक्षा, दल, सेना, गुच्छा, सभा आदि। इसलिए कक्षा, दल, सेना, गुच्छा, सभा, ये सभी चीज़ें एक समूह का बोध करा रही हैं, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा है।